कि क्या क्या करना है? मुझे लगता है आप पॉलिसी लेने से ज्यादा मुझे देखने में इंटरेस्टेड हैं। मैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी सारी बात सुन रहा था और ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि मैं आपकी बात समझ भी रहा था। ये आइडियल पॉलिसी है मेरे लिए, आइडियल। मैम मैं ये पॉलिसी लूंगा ना, मैं बिल्कुल यही पॉलिसी लूंगा। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इनफैक्ट मैं ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं मेरी, इनसे बात हुई है, ये सब आपकी पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड होंगे, आप बस इनसे इन टच हो जाइएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बिला बाजार रोड हो रही थी तुम उसके साथ, अच्छा खासा केयरिंग बंदा तो है। मुझे उसकी केयर की कोई परवाह नहीं है, मुझे लगता है अली तुम्हें पसंद करता है तो होता रहा इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में प्यार दोस्ती या शादी जैसी खुशियों की कोई जगह है। भला एक तो इस बेवक्त की लाइट जाने ने परेशान करके रखा हुआ। क्या ये, इसे खाऊं या पीऊं? जब तक दाल खत्म नहीं होगी इसी पे तड़का लगा के देती रहेंगी आप। तो आप गोश्त या सब्जी लेकर आ जाए तो पक जाएगा। तुमसे पूछा किसी ने? जब सामने बैठा शख्स बेहस होना तो उसे बोलकर एहसास दिलाना जरूरी होता है। फरा तुम चुप करके बैठो, और तुम यहाँ सर से छत छिनने वाली है और तुम्हें खाने की पड़ी है। किराए के घरों में इस तरह के मसले मसाइल चलते रहते हैं, सारा को एडवांस का बंदोबस्त करके कोई जगह ढूंढ ले। ये कहते हुए शर्म नहीं आई ना भाई आपको? इसको चुप करा ले वरना मैं। वरना क्या करेंगे आप? फरा तुमसे खामोश नहीं बैठा जाता। अम्मी आपको इतना बोलना चाहिए ना, ये घर ढूंढना एडवांस की जगह करना ये आप ही का काम तो नहीं है, इस घर में और भी लोग रहते हैं। ओ फजूल में मेरे ऊपर तंज करने की जरूरत नहीं है, बस कर दो फरा, सुकून से खाना क्यों नहीं खाने देती हो सबको? यही तो मसला है आप ही, आप इन सबकी सारी जरूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए इनको एहसास ही नहीं होता कि इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप कितना ख्वार होती हैं। एक लुकमा भी खाना हराम है इस घर, इसलिए मैं नहीं खाता आप लोगों के साथ, जब देखो वही बकवास लगी होती है। शायान आ गया सुकून उसका खाना हराम करके तुम्हें। बात सुकून की नहीं है अम्मी, भाई को भी सोचना चाहिए कि नया घर लेना है, उसके एडवांस का इंतजाम कहाँ से होगा? कर लेगी सारा सब कुछ बेटा। सारा तुम्हारे पास जो गोल्ड की चेन और टॉप्स पड़े हुए हैं ना, वो तुम अम्मी वो अब्बू की आखिरी निशानी है, उसे तो रहने दे। मुझे भी बिकवाने का कोई शौक नहीं है बीबी, लेकिन जब परेशानियां सर पर पड़ी हुई हो ना तो निशानियों को सीने से लगाकर नहीं रखा जाता। खाना हराम करके रख दिया सबका इसने, बकबक नहीं बंद होती इसकी। तुम पर किसी परेशानी का कोई फर्क तो नहीं पड़ता? क्यों पड़े मुझ पे कोई फर्क? इंसान को ना अपनी जिंदगी मस्त जीनी चाहिए। वैसे भी तुम हो ना फिक्र करने के लिए, कुछ ज्यादा शोक नहीं हो रही आज तुम? मैंने अम्मी को बिलाल के बारे में बता दी। कौन बिलाल? तुम्हारा होने वाला बहनोई, मेरा सीनियर था, फिर उसने यूनिवर्सिटी में लेक्चरारशिप ले ली, अब तो माशाल्लाह से कस्टम्स में होता है। क्या हुआ, तुम क्यों पत्थर की बुत बन गई? हैरत हो रही है मुझे तुम पर, एक ही कमरे में रहते हुए इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तुमने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। सही वक्त का इंतजार कर रही थी, वक्त से पहले ढंडोरा पीटने से खुशियों को नजर लग जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी किसी अच्छी खाती पीती फैमिली के लड़के को पसंद करो और निकलो इस घर से, वरना ऐसे ही परेशानियों में पिसती रहोगे, क्योंकि हमारे घर के मसले तो खत्म होने वाले हैं नहीं। अम्मी ने कुछ कहा नहीं तुम्हें? वो क्यों कुछ कहेंगी, इनफैक्ट वो तो खुश हैं मेरी पसंद को लेकर। अब तुम भी मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। ओके बाय। पीछे अब बेहतर फील करेंगे।
आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया अली। अगर आज आप ना होते तो थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। प्लीज थैंक यू मत करें, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। आइए मैं आपको आपके घर चुन कर। मारिया, बात की तुमने बिलाल से? जी की थी, वो जल्द ही अपनी बहन को भेज देगा। भेज देगा? यानी कि अभी तक उसने बात नहीं की है? मारिया तुम्हें लगता है कि वो रिश्ता लेकर आएगा? जी अम्मी, वो आएगा, वो जरूर आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं अली बात कर रहा हूँ। जी मैं पहचान गई आपको। सारा, मैं नहीं जानता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में सोचती भी हैं या नहीं, लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि जब से आपको देखा है मेरी हर सोच आप ही से शुरू हो रही है और आप ही पर खत्म। मैं आपको परेशान होता कभी नहीं देख सकता, आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। ऐसे किसी लम्हे में जब आप दुखी होती मेरा दिल करता है कि आपकी सारी परेशानी, आपके सारे दुख मैं समेट लूं। मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी के किसी भी लम्हे में अपने आप को तन्हा समझे। सारा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तुम उससे शादी करके मेरे साथ चलोगी, हाँ या ना? ना। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लौटने का इंतजार मत करना, क्योंकि शायद अब मैं वापस ना आऊं कभी भी। अली मैम, सारा प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। मैं चाहता हूं कि आप इस फैसले को करने से पहले कोई चंपासी ना अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब आप कुछ लीजिए ना। नो थैंक यू। अरे आप हमारे मेहमान हैं, तकल्लुफ मत कीजिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। शुक्रिया। अच्छा अब बेटा बिलाल, तुम तो कुछ लो ना, और अपनी बाजी से भी कहो। बाजी नहीं, सैम कहे। ये आप और बाजी टिपिकल घरानों में बोला जाता है, हमारे यहाँ ये नहीं चलता।
वैसे मानना तो पड़ेगा, आपकी बेटी स्मार्ट बहुत है। अपने से ऊंचा हाथ जो मारा है। मैं तो अपने भाई की खुशी के लिए आ गई, क्योंकि मेरे लिए मेरे भाई की खुशी से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये शादी सिर्फ एक शर्त पे करूं। ये कैसी शर्त? शादी के बाद मारिया यहां मिलने नहीं आएगी। इसे आप लोगों से ताल्लुक तोड़ना होगा। तेरा वादा अगर वफा